खंडवा सहित देश के अनेक स्थानों पर बढ़ रही लौजिहाद की घटनाओं और लड़कियों के साथ हो रही छेड़खानी के विरोध में महिलाएं उतर आई है। दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें लौजिहादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। सजा दी जावे जिसके इन लौजिहादों अपराधियों को कड़े से कड़ा सबक मिले। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की बहनें हाँ लव जिहाद के मामले में कलेक्टर पहुंचे थे, जिसमें अभी झारखंड में भी हमारी बहन अंकिता पे तेजाब डाल के उस पर आरोपी कर दिया गया था। और हमारे दो दिन पहले खंडवा में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें लव जिहाद में कई दिन प्रतिदिन ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तुमको शासन प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए और फांसी दी जाए, उनको सजा दी जाए। अच्छा, आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है कविता पंचोरे और खंडवा जिले की जिला सहायिका का हूँ मैं। मेरा नाम किरण गीते है, मैं खंडवा जिले से मातृशक्ति की सहायिका हूँ। जो ये लौ जिहाद के ऊपर अभी चल रहा है विषय, उसके ऊपर आज हम यहाँ ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ झारखंड में जो हुई थी लौ जिहाद के ऊपर घटना, और वैसे के वैसे यहाँ पर खंडवा में भी दो दिन पूर्व हुआ है। मुस्लिम जात के लड़का था कोई, वो आशापुर की लड़की थी। तो ऐसे में क्या है कि मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की जो लड़कियाँ है वो जैसे लड़कियाँ माँ बाप बच्चे अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लड़कियों को, तो कैसे बढ़ाए। हमारे शासन से हमारा निवेदन है कि आप कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दी जाए, और जो जहाँ पर ऐसे आ रहे मतलब मामले, उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा दे। और अगर वो शासन प्रशासन नहीं कुछ करना चाहती, तो मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें फिर रोड पर उतर कर कुछ ना कुछ वो खुद अपने हाथ से मतलब ये आगे उठाएगी।